वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्ती रशियन सैलेड बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए ये हम कुछ वेजिटेबल्स काट रहे थे, कैरेट्स काट लिए, क्यूकम्बर थोड़ा काट रहे हैं और ये एप्पल जो है इसका सेंटर का निकाल लिया है और अब इसको भी काट लेंगे। अब ये क्या है, आपकी मर्जी पे भी है कि आपको कौन सी चीज़ कितनी पसंद है, कम पसंद है, ज़्यादा पसंद है, उस पर से भी डाले जा सकते हैं। तो ये देखिए ये मैं आधा जो है कर देती हूँ एप्पल और मैं डाल रही हूँ ये एक एप्पल स्किन के साथ। अब आप चाहे तो ज़्यादा डाल दें, आपको ज़्यादा पसंद है तो। ये क्रिएटिविटी आप खुद दिखा सकते हैं कि आपको क्या पसंद है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक मीडियम साइज़ के पीसेस करेंगे। तो बस ये इसी तरह पूरा एप्पल काट लेंगे और एप्पल आपके पास जो भी हो, रेड हो, ग्रीन हो, जो आपकी पसंद का हो। बस ये है कि ये टेक्सचर एंड फ्लेवर की गेम है पूरी के पूरी। इसमें अलग अलग टेक्सचर आते हैं, अलग अलग फ्लेवर आते हैं, उसका मज़ा आता है। चलिए ये भी हो गया। अच्छा क्यूकम्बर देखें, मैंने एक काटा था, एक रखा हुआ है, आपके सामने भी काट लेती हूँ। बाइट साइज बस सब पीसेस करेंगे हम। चलें ऐसा करते हैं कि अभी हमारे पास बंद गोभी और लाल वाली बेल पेपर है, ये थोड़ी देर में काटते हैं। इससे पहले हम एक सॉस बना लेते हैं। सॉस बनाने के लिए ये देखें हमारे पास यहाँ आधा कप मेनीज है, ये डाल देते हैं। ये इतनी मज़े की लगती है, एक तो कलरफुल भी होती है और फिर टेस्टी होती है, दावत वगैरह में भी इतनी देखने में अच्छी लग रही होती है, अट्रैक्टिव हो रही लगती है। और यहाँ हमारे पास देखिए क्रीम रखी हुई है, क्वार्टर कप, चार टेबल स्पून नेस्ले की जो क्रीम आती है ना वो। अगर आपको ख़रीदनी है तो ख़रीदें, ना ख़रीदनी हो तो आप क्या कहते हैं बलाई डाल दें इसमें, बहुत मज़े का लगेगा। बलाई को थोड़ा सा फेंटें और वो डाल दें। हमारे यहाँ तो खैर बालाई वगैरह मिलती नहीं है, तब क्रीम इज़ बेस्ट। और ये मैंने नेस्ले का इस्तेमाल इसीलिए किया है कि ये हर जगह ही अवेलेबल है। तो बेसिकली ये चली गई इसमें। अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक, एक टीस्पून वाइट पेपर, वाइट काली मिर्च जो होती है ना वाइट वाली है, अगर आपके पास ना हो तो आप काली डाल दें, थोड़ी सी बस तेज़ी ही चाहिए। और यहाँ दो टेबलस्पून हमारे पास शक्कर है, इसको हम मिला लेंगे अच्छे से। क्रीम जो है वो बनाए उससे पहले तक फ्रिज में ही रखें ताकि ठंडी ठंडी मज़े की लगे। देखिए ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। और अब इसमें हम, क्योंकि एप्पल काटा है ना, एप्पल काला जल्दी हो जाएगा, तो सबसे पहले हम ये डाल देते हैं चीज़ें। गाजर भी थोड़ी सी हो जाती है, तो ये सब चला जाएगा। गाजर भी हमारी तकरीबन एक कप के आसपास थी, क्यूकम्बर भी एक कप के आसपास था और एप्पल देखा आपने बड़ा सा था एक। चले इसको मिक्स कर लेते हैं। अब एटलीस्ट एप्पल तो सेफ हो गया हमारा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है इस तरह फौरन करने का, तब आप उसको थोड़ा सा लेमन जूस लगा के रख देंगे तो काला नहीं होगा एप्पल। चले अब ये हम बेल पेपर काट लेते हैं। ये देखें हमारे पास आधी है रेड वाली, आप चाहे तो ग्रीन ले लें, चाहे तो इसकी जगह कुछ और ले लें। इसमें क्या है कि टेक्सचर एंड फ्लेवर अलग अलग जो आता है उसी का मजा आता है। चले ये भी डाल देते हैं। और यहाँ देखें हमारे पास बंद गोभी है और अब ये भी थोड़ी सी काट लेते हैं, बंद गोभी का क्रंच अच्छा लगेगा।
तो ये भी देखें अराउंड 1 कप हो गई है, इसको भी डाल देते हैं। यहाँ देखें 1 कप हमने आलू उबाल के रखे हुए हैं और छोटे छोटे पीस किए हुए हैं, तो ये भी डाल देते हैं। अब आप चाहें तो कम डालें ज़्यादा डालें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ 1/2 कप भुट्टा है, फ्रोज़न होता है हमारा, अगर आप चाहें तो बॉईल करके डाल दें, 1/2 कप है उबाल के रखे हुए। और यहाँ हमारे पास 1/4 कप उबाल के रखे हुए पीस है मटर, इससे कलर भी अच्छा लगेगा और एक इसकी स्वीटनेस भी अच्छी लगेगी। और अब हमारे पास यहाँ है 1/4 कप ही चिकन ब्रेस्ट छोटे छोटे पीसेस किए हुए, थोड़ा सा हल्का फुल्का नमक डाल के फ्राई किया हुआ है, तो ये एक हल्का सा टच होगा तो मज़ा आएगा। तो अभी हम इसमें 1/2 डाल देते हैं और थोड़ा सा गार्निश के लिए रखेंगे ताकि एहसास हो कि भाई हमारे पास चिकन भी है। और यहाँ पाइनएप्पल है ये 1 कप पूरा, और यहाँ हमारे पास 1/4 कप किशमिश है, तो किशमिश को हम 1/2 से ज़्यादा डाल देंगे, थोड़ा सा गार्निश के लिए रखेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। चिकन जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ना डालें और चाहें तो ज़्यादा भी डालें। और मैंने टच रखा है, टच रखने से कभी कभी क्या ऐसा हो, धोखा सा होता है खाते हुए, क्या चिकन है ये मेरे मुंह में, क्योंकि नज़र नहीं आ रही होती है, एक सरप्राइज सा एलिमेंट लगता है। तो ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी रशियन सैलड जो है रेडी हो गई है। अब इसका रेडी करने का लास्ट तरीका ये है कि ये ठंडी होना शदीद ज़रूरी है, इसको सर्व करने से पहले ये 2-3 घंटे अगर फ्रिज में रहेगी ना शानदार लगेगी। चले अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। कोई सा भी खूबसूरत सा बर्तन ले लें या बोल ले लें, उसमें डाल दें। आहा, क्या पानी आ रहा है मुंह में। और अब इस पे हम जो हमारी चिकन पड़ी हुई थी ना उसकी गार्निश करते हैं। और यहाँ हमारे पास किशमिश है वो डालेंगे। चले कौन कौन आ रहा है खाने के लिए बताएं। अब इसमें है क्या क्रिएटिविटी ये बतानी है कि अलग अलग टेक्सचर है, अलग अलग कलर्स हैं, और फिर बाकी तो मेनीज एंड क्रीम, हल्की सी शुगर, हल्की सी मिर्चे, थोड़ा सा नमक, और बन गया एक कॉम्बिनेशन। ख़ास तौर से ये मैंने देखा है सबको बहुत पसंद है, लेकिन वुमेंस को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको अट्रैक्ट बड़ा करता है। हमारे घर में भी सबको अच्छी लगती है, लेकिन ख़ास तौर से हम 3-4 जो लेडीज़ हैं वो बड़े शौक से खाती हैं। तो चलो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि कैसी लग रही है। ये मेरी ही है बाय द वे, ये बाकी मैं इन लोगों के लिए बाद में बना दूँगी। इतना बेहतरीन है, क्रीमी क्रीमी, थोड़ा थोड़ा मेनीस का टेस्ट, हल्की सी मिर्चें, स्वीटनेस, क्रंच, आडू, किशमिश, ये नहीं सारी चीज़ें इतनी अलग अलग हैं और मुँह में जाकर सब क्रीमी क्रीमी जब लग रही है, ख़तरनाक सी लग रही है। दावतों की तो ये जान है, एक तो अट्रैक्टिव इतना लगती है, ऊपर से एडवांस में बना के रख दें फ्रिज में और मज़ेदार हो जाएगी। चले आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें, धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।